हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम राइस वाटर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे, कैसे बनाते हैं, साइड इफेक्ट्स वगैरह वगैरह। फ्रेंड्स सबसे पहले आ जाते हैं कि राइस वाटर के बेनिफिट्स क्या होते हैं। राइस वाटर में अमाइनो एसिड होता है जो बालों को रीजनरेट करने में, रीग्रोथ करने में हेल्प करता है। उसके अलावा इसमें काफ़ी सारे विटामिंस पाए जाते हैं जैसे बी सी, जो कि बालों को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। एक मिनरल होता है जो कि बालों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ अगर आ जाते हैं तो साइड इफ़ेक्ट्स में जो होते हैं, ये बहुत ड्राई वाटर होता है जिनकी स्कल्प्स यानी कि जड़ें वो बहुत ज़्यादा ड्राई हों, वो दो दफ़ा हफ्ते में इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि फिर ये बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ और ड्राइनेस पैदा कर देता है। अब आ जाता है कि हम ये पानी बनाएंगे कैसे। हमें हाफ कप जो है वो राइस चाहिए ड्राई, उसके बाद हम उनको अच्छे तरीके से धो लेंगे, साफ़ कर लेंगे। उसके बाद दो तीन कप पानी लेकर उसमें 45 मिनट्स के लिए हम सोक कर देंगे। अच्छा, इसमें एक और बात जो है मैं ऐड करना चाहूँगी कि इसमें आप किसी भी किस्म का जो भी हर टाइप का जो चावल होता है वो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बासमती हो, ब्राउन हो, आप किसी भी किस्म का चावल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो वे आ जाता है कि हम दूसरा पानी कैसे बनाएंगे, तो हम उसी चावल के पानी को 45 मिनट्स के लिए नहीं, टोटल 24 आवर्स के लिए रख देंगे और सुबह को उसको हम इस्तेमाल करेंगे। 24 घंटे के दौरानिए के बाद अगर हम इस पानी को देखेंगे तो ये पहले से बहुत ज़्यादा जो है वो थिक हो जाता है। फ्रेंड्स जो राइस वाटर होता है वो हमारे हेयर की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है। कार्बोहाइड्रेट्स मिनरल्स मिलकर हम इस वाटर को बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल बनाते हैं। हम इस पानी को किसी भी स्प्रे बोतल में जो है स्टोर कर सकते हैं क्योंकि ये फिर यूज़ करने में ईजी रहता है अलॉन्ग विथ चावल। अच्छा, अब आ जाता है कि हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे बालों को। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह से बालों को स्प्रे कर रही हूँ। स्प्रे बोतल में डालने का ये होता है कि हमारी जड़ों तक आसानी से पहुँच जाता है। आप साथ में कॉम भी करते जाओ और बालों को जो है अच्छे से कॉम करके, ये एक दिन पहले के धुले हुए बाल हों उन पर आप अच्छे से इनको स्प्रे कर दो, अराउंड बालों के आगे से, पीछे से, जहाँ तक हो सकता है इस पानी को अच्छे से अपने बालों पर लगा लेंगे। ये 45 मिनट्स तक हम इस पानी को जो है बालों पे रख सकते हैं। ये हमारे स्कैल्प्स पे, हमारे फॉसल्स पे जाएगा। ये बालों को बहुत ज़्यादा हेल्दी और शाइनर भी बनाता है। आई कैचिंग बात ये है कि हम इसको फ्रिज में 2 से 3 दिन के लिए स्टोर तक कर सकते हैं। 45 मिनट के दौरानिए के बाद जब हम किसी अच्छे शैम्पू से बाल धो लेंगे तो हमारे बाल पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा सॉफ्टर हो जाएंगे, शाइनर हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा जो है ना खिले खिले, और बालों का जो वॉल्यूम होगा वो भी बढ़ेगा। ये बालों को ग्रोथ करने में मदद देता है, शाइनर करने में मदद करता है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।